Hi guys, very welcome to my YouTube channel. Hope you guys all are doing great. So today's video is a very special video because this is my first ever styling video. I have created this video especially for the summer season and this video is kind of a lookbook for summer season. इसमें मैंने ethnic wear and western wear दोनों type के looks cover up किए हैं. But this is the only first part because video बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, so I have divided into two parts. First part will be the only ethnic wear and second part will be the only western wear. सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर समर सीजन. तो मैं समर सीजन में प्रेफर करती हूँ लाइट कलर के क्लोथ पहनना एंड कॉटन के क्लोथ विच आर वेरी स्किन फ्रेंडली एंड वेरी रिलैक्स कंफर्टेबल एज वेल. सो हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले विच यू कैन अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ. सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फिर लाइक एट द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is my very first look, kurti and jeans. Kurti and jeans are very common and popular in the girls because this is a very easy to go look and comfortable as well. बहुत ज़्यादा time नहीं लगता आपको इस तरीके के look को carry करने के लिए and summer में बहुत ही ज़्यादा comfortable होते हैं. इस तरीके का लुक आप ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग हर जगह कैरी कर सकते हो. यहाँ पे मैंने एक लाइट कलर की कुर्ती को वाइट कलर की जीन्स के साथ पैरअप किया है विच इज़ अ मोनोक्रोम लुक एंड समर के लिए बहुत ही ज़्यादा आई प्लीजिंग है. लाइट ग्रीन कलर की यहाँ पे मैंने कुर्ती पहनी है स्लीवलेस में विच इज़ अ एक्वा ग्रीन कलर, उसको मैंने पैरअप किया है वाइट जीन्स के साथ. तो ओवरऑल जो लुक पॉपअप हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आई प्लीजिंग है समर के लिए. उसको मैंने कॉन्ट्रास्ट डार्क ग्रे कलर की बैली फ्लैट बैलीज के साथ पैरअप किया है. कोई भी एसेसरीज मैंने यहाँ पर नहीं पहनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स फॉर्म फॉर द स्पेशली फॉर द समर सीजन. सो दिस इज़ माई सेकेंड लुक, कुर्ती एंड प्लाजो सेट. कुर्ती एंड प्लाजो सेट आर मस्ट टू हैव इन समर सीजन बिकॉज दिस सेट इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल एंड रेडी टू गो. इस तरह का सेट आप किसी भी फंक्शन, पार्टी, स्कूल, कॉलेज में वेयर कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है बिकॉज रीज़न आई विल टेल यू. कुर्ती एंड प्लाजो सेट जब आप पहनते हो तो आपकी हाइट ज़्यादा लगती है एज यू कैन सी इन माई वे. एंड यहाँ पे जो मेरा कुर्ता है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि मेरी हाइट और भी ज़्यादा लग रही है. एंड प्लाजो विल डेफिनेटली इन्हांस योर हाइट बिकॉज मोस्टली प्लाजोज आर द हाई वेस्टेड, सो इट विल यू नो डेफिनेटली एड ऑन इन योर हाइट. सो यहाँ पे जो मैंने कुर्ती प्लाजो सेट पहना है ये कॉटन का है, लाइट पिंक कलर का है, वाइट कलर की इसमें प्रिंट है विच इज़ वेरी मच आई प्लीजिंग एज वेल फॉर समर सीजन. कोई भी ज़्यादा एसेसरीज मैंने ऐड नहीं की है सो दैट इट दिस ओवरऑल लुक इज लुकिंग वेरी सिंपल, कूल एंड क्लासी फॉर द समर सीजन. एंड इसके साथ मैंने फ्लैट बेली यूज़ किया है. सो दिस इज़ माई थर्ड लुक, कॉटन वेयर मैक्सी ड्रेस. कॉटन वेयर मैक्सी ड्रेस आर ऑल्सो वेरी मच कम्फर्टेबल फॉर समर सीजन. बहुत ही क्लासी एंड कूल लुक लगता है एंड दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न लुक फॉर समर सीजन. आप इस तरीके का लुक कहीं भी कैरी कर सकते हो, कॉलेज में, ऑफिस में, शॉपिंग में, मॉल में एंड इवन योर पार्टी फंक्शन में भी आप डे टाइम में इस तरीके की ड्रेस आप कैरी कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है, इंडो वेस्टर्न लुक आता है इसमें एंड आजकल बहुत ज़्यादा लेडीज़ एंड गर्ल्स इसको प्रेफर कर रहे हैं इस तरीके की ड्रेस को. कम्फर्टेबल भी बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पर मैंने लाइट कलर की मैक्सी ड्रेस कैरी की है विच इज़ ऑल्सो वेरी यू नो कूल एंड आई प्लीजिंग कलर इन समर सीजन. लाइट येलो कलर की इसमें प्रिंट है एंड ऑफ वाइट कलर का ड्रेस है. बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है एंड एसेसरीज मैंने कोई भी एड ऑन नहीं की है सेम अगेन बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई वॉन्टेड टू कीप माई सेल्फ यू नो वेरी रिलैक्स एंड वेरी कम्फर्टेबल इन समर सीजन. एंड इसके साथ मैंने फ्लैट बैलीज अगेन एड की है विच इज ऑल्सो वेरी मच कम्फर्टेबल फॉर समर सीजन. वेरी कम्फर्टेबल इन समर सीजन. ये रेडीमेड नहीं है, इसको मैंने मटेरियल लेके स्टिच कराया अकॉर्डिंग टू माई साइज. इस तरीके के सूट सेट्स बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं समर सीजन में. एंड यहाँ पे मैंने लाइट कलर का सूट सेट पहना हुआ है जिसको मैंने जिसका सलवार मैंने पैंट स्टाइल में स्टिच करवाया एंड कुर्ता मैंने हल्का सा लूज स्टिच करवाया हाफ स्लीव्स में एंड इसका दुपट्टा भी प्योर कॉटन का है. यहाँ पे मैंने एसेसरीज के लिए बैग कैरी किया है और कुछ भी मैंने ऐड ऑन नहीं किया एसेसरीज में, फ्लैट बैलीस पहनी है. तो ओवरऑल लुक मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है ये. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट माई समर लुक्स इन एथनिक वेयर. होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक दैन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल.